सोमवार को रायगढ़ नगर निगम की एक बैठक आयोजित हुई और जिसमें जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी के पार्षदों ने आरोप लगाया कि निगम सरकार बहस से बचना चाह रही है और इसीलिए जानबूझकर सामान्य सभा देरी से बुलाई गई। बता दें कि पिछले एक साल में सामान्य सभा की एक ही बैठक बुलाई गई थी। दो घंटे तक चली इस बैठक में कुछ ही मुद्दों पर चर्चा हो पाई, फिर सभा को अगले दिन के लिए टाल दिया गया, अगली बार के लिए टाल दिया गया। ऐसे में भाजपा पार्षदों ने आपत्ति जताते हुए निगम सरकार पर जमकर निशाना साधा। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि पार्षदों के लिए एकमात्र ये एक ऐसी जगह होती है जब वो अपनी समस्याओं को लेकर, जनहित के मामलों को लेकर परिषद में आता है। ये जो वर्तमान सरकार है ये परिषदी साल में करीबन एक करवा पाती है, उसमें भी जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को जोड़ती नहीं है। आज भी जो परिषद है वो एक खाना पूर्ति ही है, क्योंकि इसमें ऐसे कोई भी मुद्दे नहीं है जो जनहित से जुड़े हुए हैं, तो ये एक तरह से कोई महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा नहीं हो रही है। और जिस बिंदुओं पे ये बात कर रहे हैं वो भी वास्तव में सही नहीं है। जैसे मरीन ड्राइव के अंतर्गत जो दुकानें हैं उसका किराया निर्धारित कर रहे हैं, जब वो नगर निगम के स्वामित्व में आती ही नहीं है तो ये किराया कैसे वसूल कर सकते हैं। सामान्य सभा की जो बैठक है वो 8-7 प्रश्न प्रस्ताव आए हुए हैं, सातों प्रस्ताव में प्रश्नकाल भी जिसमें था बहुत सामान्य तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में शहर हित में जो चर्चा हुई है। पहली बार है कि जो जितने प्रश्न आए थे जितने लॉटरी में थे वो पूरे हुए। और आज सामान्य सभा की बैठक रखी गई है जो कि जनहित के मुद्दे रखी गई है, जो कि सभी पार्षदों के द्वारा और प्रश्न भी लगाए थे उसका भी जवाब दी गई है। जहाँ तक रहे शहर हित के लिए हमने हमेशा सहयोग किया है, शहर विकास में काम किए हैं और विपक्ष के लोग भी सवाल जवाब नहीं कर पा रहे हैं, ना ही सवाल जवाब के लिए पत्र लगाए हैं।